ठीक है, देखो हम कर रहे थे अपनी टर्म्स ऑफ ट्रेड में, हमने कर लिया था इंट्रोडक्शन पार्ट और जो टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कर लिया। अब आगे हमें करना है, इसमें एक थ्योरी है जिसको हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, ठीक है, जिसमें हम ऑफर कर को कैसे डिराइव करते हैं वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड है, ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड का, ये दिया किसने था? ये दिया था, डेवलप किया था जेएस मिल ने, बुक का नाम था इनकम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1948 में। ठीक है, तो एक चीज और कि जब भी आप कोई थ्योरी करते हो तो स्टार्टिंग में किसने दिया और कौन सा ईयर था ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड दिया जेएस मिल ने, टाइम था इनका 1948 लिखा हुआ है, हिंदी वाली में 1848 लिखा हुआ है। एग्जैक्ट इसका जो वो है मैं देख के बताती हूँ आपको। ये इंग्लिश वाले में शायद गलत लिखा पाएगा, ये 18 है, इंग्लिश में गलत लिखा होगा, 1848 आएगा, ये हिंदी वाली बुक में बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं अपने बुक में ठीक कर लेना इसे, ये सब हम कर चुके हैं। तो देखो सबसे पहली बात, ये आपकी जो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड है इसमें आपको दो तीन वर्ड्स हैं। सबसे पहली बात कि रेसिप्रोकल डिमांड क्या होता है, रेसिप्रोकल डिमांड क्या होता है, रेसिप्रोकल डिमांड क्या होता है, अब इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिसाइड करते हो एक्चुअली। तो रेसिप्रोकल डिमांड होता है कि जब मान लो दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, ठीक है, दो देश हैं आपके पास, तो जो डिमांड है कंट्री ए की कंट्री बी के गुड्स के लिए, ठीक है, मैंने क्या बोला, कंट्री ए की जो डिमांड है कंट्री बी के जो गुड्स के लिए और कंट्री बी की जो डिमांड है कंट्री ए की गुड्स के लिए, उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल डिमांड। रेसिप्रोकल डिमांड यानी कि पारस्परिक मांग, ठीक है, यानी कि एक कंट्री की, अगर हम इसमें मान के चलते हैं कि आपके पास दो कंट्री है तो एक कंट्री की दूसरी कंट्री के लिए डिमांड क्या है और दूसरी कंट्री की पहले वाली जो कंट्री है उसके लिए डिमांड क्या है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल डिमांड या जिसको हमने हिंदी में बोला पारस्परिक मांग। ठीक है, इसके बाद इसी चीज को यूज करके मार्शल और एजवर्थ ने एक टेक्निक अपनी डेवलप करी, उसको बोला इन्होंने ऑफर कर्व। क्या बोला इन्होंने? ऑफर कर्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्ताव वक्र। ठीक है, यानी कि जो ये मिलने तो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया मिलने, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ऑफर कर्व की टेक्निक किसने दी थी, यानी कि प्रस्ताव वक्र की जो आपकी जो टेक्निक है ये किसने दिया, ये दिया आपका मार्शल और एजवर्थ। अब ऑफर कर्व क्या होता है? ऑफर कर्व आपको बेसिकली टर्म्स ऑफ ट्रेड शो करता है कि आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, और शो कैसे करेगा, कैसे बताएगा, ये जहाँ पे आपकी कंट्री की डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्ट करती है वहां से आप ऑफर कर्व निकालते हो। आगे आप निकालोगे दिखाओगे कि ऑफर कर्व बेसिकली कैसे बनाते हैं, ये है आपके एक्सप्लेनेशन में बेसिकली यही है कि आपको ऑफर कर्व कैसे बनाना है। ठीक है, तो इतना समझ में आया रेसिप्रोकल डिमांड क्या होता है। रेसिप्रोकल डिमांड होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री की जो वस्तु है उसके लिए डिमांड, और पहली वाली कंट्री की जो आपकी दूसरी कंट्री है उसके लिए जो आपकी डिमांड है वो कहलाती है रेसिप्रोकल डिमांड या पारस्परिक मांग। इतनी आई बात समझ में? उसके बाद मार्शल और एजवर्थ ने टेक्निक दी आपकी ऑफर कर्व की। ठीक है, और ऑफर कर्व क्या होता है? ऑफर कर्व बेसिकली शो करता है कि क्या आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगे, और डिटरमाइन आप उसको करते हो डिमांड और सप्लाई, जहाँ पे आपकी यानी कि मांग और पूर्ति जहाँ पे आपकी इंटरसेक्ट करती है वहां पे आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होंगे। इतनी बात आई समझ में?
आवाज आ रही है ना मेरी? एडवर्ग ये हमारी बुक में तो नहीं है मैम। क्या चीज आपने ऑफर कर, बताया? यस प्रस्ताव अपने होगा ना बेटा, ऑफर कर लो, क्यों नहीं है हिंदी वो वाली बुक में? तो है मैम, पर वो जेएस मील ने दिया था, ये लिख रखा है मैम, एडवर्ग और मार्शल ये नहीं है। नहीं, ये ऑफर कर वो मार्शल और एजवर्ड ने लिए थे, ये टेक्निक उन्होंने डेवलप की, लेकिन जो बेसिक मेन आइडिया था ना वो मिलकर था। ठीक है, तो मेन अगर आप इसमें अगर आप प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड की अगर बात करते हो तो मेन नाम आप मिल का ही लिखोगे। ठीक है, उसमें मेन नाम उन्हीं का ही जाएगा। अब देखो, इसमें कोई भी थ्योरी होती है, थ्योरी को पढ़ने से पहले हम अजम्पशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अजम्पशन क्या है कि 2x2 का मॉडल है, यानी कि दो कंट्री दो वस्तुओं में ट्रेड कर रही है। दूसरी बात, आप फुल एम्प्लॉयमेंट मान के चल रहे हो, यानी कि पूर्ण रोजगार है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो दो कंट्रीज है ना, दोनों आपस में इक्वल इम्पोर्टेंस है, यानी कि दोनों का जो देश है वो लगभग लगभग सेम है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है और एक काफी छोटी इकोनॉमी है, दोनों की इम्पोर्टेंस है वो क्या है, सेम है। उसके बाद उन्होंने कहा परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता है। अब अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोल देते हो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की जितनी भी आपकी जो इसकी बेसिकली जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो उतने भी इसके पूर्ण रोजगार के नहीं सकती, प्रतियोगिता के जो फीचर्स हैं वो आपके यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपका फॉरेन ट्रेड है, यानी कि जो विदेशी व्यापार है, वो कैसा है, स्वतंत्र है, यानी कि फ्री ट्रेड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स कैसे हैं, आपके परफेक्टली मोबाइल है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपके जो साधन है वो कैसे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र गतिशील है। उसके बाद इन्होंने कहा यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट हमने पढ़ा है, जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट रिकार्डो वाली पढ़ी थी ना हमने, रिकार्डो एडम स्मिथ वाली, तो यहाँ पे वो बोलता है कहता वो यहाँ पे वो थ्योरी अप्लाई होगी और आपको आगे देखने को मिल भी जाएगा कि कैसे अप्लाई हो रही है। ठीक है, अजम्पशन समझ में आई? यस मैम। अब उसके बाद देखो इन्होंने कहा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो टर्म्स ऑफ जो आपकी जेस्टमेंट कहता है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ना आपकी, यानी कि व्यापार की शर्तें सिर्फ और सिर्फ कि आपकी जो कॉस्ट और एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की जो कॉस्ट लगती है ना उस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि डिपेंड हिसाब के साथ करती है कि उनकी डिमांड कैसी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉस्ट पर डिपेंड नहीं करती बल्कि उनकी मांग कैसी है इस पर डिपेंड करेगी आपकी व्यापार की शर्तें। अब इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज दो कंट्रीज के बीच में जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होगा, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि जो इनकी विनिमय दर है, विनिमय दर कैसे डिसाइड होगी, डिसाइड होगी उनकी रेसिप्रोकल डिमांड से, यानी कि कितना उनकी आपसे में आपस में उनकी मांग हो रही है उन वस्तुओं की, उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, बेसिकली रेट ऑफ एक्सचेंज आपके वहां पे डिसाइड होगी। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ मेन करेक्टरिस्टिक्स बोले हैं इनकी थ्योरी के, ठीक है, वो क्या है। सबसे पहला इन्होंने बोला कि आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड में जो आपके बेसिकली टर्म्स ऑफ ट्रेड जो लग रहा है वो लग रहा है आपका बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड। ठीक है, यानी कि आपका वस्तु विनिमय जो शर्तें हैं वो अप्लाई हो रही हैं, यानी कि आपकी जो क्वांटिटी वाला जो था ना आपका जो टर्म ऑफ ट्रेड आपका क्वांटिटी वाला। जिसमें हमने क्वांटिटी से इंपोर्ट के बदले में कितना हम एक्सपोर्ट देंगे वो आपका बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड होगा। ठीक है, बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड यानी कि वस्तु विनिमय शर्तें, वस्तु यानी कि अगर वस्तु का ही नाम हमने ले दिया तो इसका मतलब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि ट्रेड से कितना गेन हो रहा है, हर कंट्री को कितना गेन होगा ये चीज डिटरमाइन करेगी व्यापार की शर्तें यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कितना फायदा हो रहा है हमें ट्रेड से, ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से हमें कितना फायदा हो रहा है ये डिसाइड होगा आपका टर्म ऑफ ट्रेड से, व्यापार की शर्त। दूसरे इन्होंने फिर अगले में इन्होंने बात करी कि जो लिमिट है कि जिन टर्म्स ऑफ ट्रेड की भी कोई लिमिट होगी ना, कहते हैं तो वो डिटरमाइन होगी, वो लिमिट सेटल होगी कहाँ से, जहां पे जो डोमेस्टिक कॉस्ट है यानी कि घरेलू जो लागत लग रही है उसका रेशियो क्या रहेगा, उससे डिपेंड करेगी इसकी कि आपके टर्म ऑफ ट्रेड की लिमिट क्या रहेगी, यानी कि सीमा क्या। अगला इसने बोला कि जो दो लिमिट्स होंगी ना, ठीक, वो जो लिमिट है आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज की, यानी कि हम जिसको हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की भी लिमिट कह रहे हैं, वो डिटरमाइन होगी आपकी रेसिप्रोकल डिमांड से।
ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो मिल के अकॉर्डिंग, इसने कहा कि जहां पे आपकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो वैल्यूज है, टोटल वैल्यू जहां पे बराबर होगी वहां पे आपको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। यानी कि संतुलन का बिंदु कहाँ मिलेगा आपको, जहां पे आपकी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो जाए, इक्वल होगी, वहां पे आपको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा। कैसे क्या कह रहे हैं, ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब क्या एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कैसे कि इन्होंने कहा, कैसे देखा। अब देखो क्या किया इन्होंने, हमने 2x2 का मॉडल लिया है, यानी कि दो कंट्री ली है और दो गुड्स लिए हैं। जो सपोज करते हैं हम, जो हमने कंपैरेटिव कॉस्ट की जब थ्योरी करी थी उसके अंदर हम दो देश ले रहे थे, नेपाल और इंडिया, वही सेम इन्होंने नेपाल और इंडिया लिए हैं और वही दो वस्तुएं वीट और राइस, गेहूं और चावल लिया, ठीक है। तब हम वहां पे अपने ध्यान दिया हो तो ध्यान दिया था अगर कंपैरेटिव कॉस्ट वाले थ्योरी में, तो इंडिया का कॉस्ट रेशियो था 1:1 का, नेपाल का 1:2 का था। यानी कि हम वहां पे मैं याद करो बात करी थी कि इंडिया को राइस बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज, दोनों में एडवांटेज है, इंडिया को दोनों चीजों बनाने में प्रोडक्शन वो अच्छे से बना कर सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा कंपैरेटिव एडवांटेज उसको राइस में था और नेपाल को कम नुकसान यानी कि लेस डिसएडवांटेज था वीट को प्रोडक्शन करने में। ये चीज हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कहा तो इसका मतलब क्या, इंडिया को, इंडिया का स्पेशलाइजेशन राइस में हो गया और नेपाल का स्पेशलाइजेशन वीट में हो गया, ठीक है। यानी कि अगर इंडिया को कब तक फायदा होगा, इंडिया को तब तक फायदा होगा जब तक इंडिया को 1 यूनिट राइस के बदले में 1 यूनिट ऑफ वीट से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अब क्या करना है, क्योंकि एडवांटेज हमें राइस में है, दैट मीन्स हम एक्सपोर्ट करेंगे किसका, राइस का, और इम्पोर्ट करेंगे किसका, आपका वीट का। और नेपाल क्या करेगा, वीट का तो एक्सपोर्ट करेगा और राइस का क्या करेगा, इम्पोर्ट करेगा। तो इंडिया को फायदा कब तक था, इंडिया को फायदा तब तक था जब तक उसको एक अपनी राइस के, 1 यूनिट ऑफ राइस के बदले में 1 यूनिट वीट से ज्यादा मिलता, तब इंडिया को फायदा था। और नेपाल को फायदा था जब उसको 1 यूनिट ऑफ राइस के बदले में अपने 2 यूनिट ऑफ वीट से कम देना पड़े, समझ गए। ये चीज बात हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी है पहले, ये उसका एक तरीके से बस क्विक रिवीजन ही है। इंडिया को फायदा कब, जब उसको अपने 1 यूनिट ऑफ राइस के बदले में 1 यूनिट ऑफ वीट से ज्यादा मिले। और नेपाल को फायदा कब, जब उसको अपने अगर उसको 1 यूनिट ऑफ राइस चाहिए तो उसके बदले में उसको अपने जो वीट देनी है वो 2 यूनिट से कम देने पड़े, इतना उसको फायदा होगा। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब इसने बोला आगे कि जो टर्म ऑफ ट्रेड है ना वो कहाँ पे डिसाइड होगी, टर्म ऑफ ट्रेड बेसिकली डिसाइड होगी कहाँ पे, जहाँ पे इंडिया का जो प्रोडक्ट है, यानी कि इंडिया का जो प्रोडक्ट कौन सा है, राइस, उसके बदले में उसकी डिमांड नेपाल में क्या है, और नेपाल के जो आपकी नेपाल की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंडिया में कहाँ है, जहाँ पे वो आपके बेसिकली क्रॉस करेंगे यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होगी। कैसे डिसाइड होगी, कहता है कि अगर मान लो, अच्छा एक चीज, ये चीज भी हमने पहले करी हुई है, दोबारा से एक रिविजन ही है कि अगर इंडिया के जो आपके डिमांड है, इंडिया के डिमांड किसके लिए, वीट के लिए, ठीक है, इंडिया के डिमांड वीट के लिए अगर इन इलास्टिक है, यानी इन इलास्टिक का मतलब कि हम अपने डिमांड को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस अगर इंडिया की डिमांड आपके वीट के लिए इन इलास्टिक है तो ऑब्वियसली बात है हमें फायदा नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये बात हमने पहले करी हुई है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड से फायदा कब मिलता है, अगर आप अपनी, देखो ऑब्वियसली बात है, अगर इन इलास्टिक का मतलब क्या है, इलास्टिक का मतलब ये है कि कल को अगर वो अपने प्राइसेस चेंज करते हैं तो हम अपनी डिमांड को ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स आपको फायदा नहीं हो पाएगा उसके से। वहीं पे अगर इंडिया के जो डिमांड है लेस इलास्टिक, अगर वो आपकी वीट के लिए इलास्टिक होती है, उसका मतलब क्या है कि अब अगर इलास्टिक है दैट मीन्स हम अपनी, अगर वो प्राइसेस में चेंज करता है, ठीक है, ज्यादा करता है, तो उस टाइम पे हम अपनी अपनी जो डिमांड है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि नेपाल ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपकी जो 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 2 यूनिट्स जो वीट वो अपने मतलब चाह रहा था उसके बदले में उसको कम वीट देना, मतलब उसकी जो ज्यादा चाह रहा था उसके बदले में उसको क्या हो रहा है, कम ही मिल रहा है, 1.8 यूनिट मिल रहा है या फिर 1.27 यूनिट ही मिल रहा है। तो इसीलिए जो इनकी अगर हम लिमिट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो जो इनकी लिमिट हो जाएगी,
यानी कि जो हमने दो यूनिट आपके दो लिमिट डिसाइड कर दी आपकी, एक तो ये कर दी कि एक यूनिट के बदले में इंडिया की जो इंडिया को जो एक यूनिट ऑफ जो राइस मिल रहा था, अब अगर इन इलास्टिक है तो नेपाल को क्या मिलेगा, एक यूनिट ऑफ राइस से ज्यादा मिलेगा, ठीक है, यानी कि 1.1, 1.2 हो सकती है। वही पे अगर उसके हमारी इन इलास्टिक होती, सॉरी हमारी अलग अगर इलास्टिक है तो उसको दो यूनिट कम, दो यूनिट से वीट से कम नहीं देगा, से 1.8 को 1.7। तो एक तरीके से हमने एक लिमिट डिसाइड कर दी 1 और 2 के बीच में, है ना। तो ये जो 1 और 2 के बीच में जो लिमिट है, ये आपकी टर्म ऑफ ट्रेड की लिमिट हमने डिसाइड कर दी कि इससे ज्यादा, इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं, ना से दो से ज्यादा मिलेगी ना एक से कम होगा, ये डिसाइड कर दी हमने आपकी लिमिट की। भाई इससे ज्यादा अगर दो से ज्यादा होगा तो हम टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब हम व्यापार नहीं करेंगे, अगर हमें दो से नेपाल को दो से ज्यादा देना पड़ा तो, और इंडिया कम नहीं करेगा अगर उसको एक यूनिट से कम अगर उसको अगर उसको अपने एक्सपोर्ट के बदले में इंपोर्ट मिलते हैं एक यूनिट से कम, तो उस केस में अपना इंडिया है वो ट्रेड नहीं करेगा। यानी कि हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड की व्यापार की शर्तें की हमने क्या कर दी, पॉइंट डिसाइड कर दिए, दो लिमिट डिसाइड कर। अब इसको हम अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो डायग्राम के थ्रू हम इसको ऑफर, ये तो सारी जो देखो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी ये तो मिलने दे दी, ठीक है। इसके बाद अगर डायग्राम के थ्रू हम बताएंगे इसमें ऑफर कर के थ्रू, और ऑफर कर मैंने आपको पहले भी बताया, मार्शल और एजवर्ड ने बताया, ठीक है। ऑफर कर जो आपका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट वो दिया किसने, मार्शल और एजवर्ड ने दिया। कैसे डिसाइड करेंगे, जहां पे डिमांड और सप्लाई बेसिकली आपकी इंटरसेक्ट करती है वहां पे। अब कैसे कैसे करेंगे वो देखो, ऑफर कर्व एक तो सबसे पहली बात क्या होती है, एक कंट्री की ऑफर कर्व ये शो करती है कि आप अपने पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट के बदले में कितना एक तरीके से इम्पोर्ट मतलब सामने वाली जो आपकी कंट्री है, ठीक है, सामने वाली कंट्री की पर्टिकुलर अमाउंट पे, कॉमोडिटी की पर्टिकुलर अमाउंट पे आप कितना अपना कॉमोडिटी, अपनी कॉमोडिटी उनको ऑफर करते हो, यानी कि उनको एक तरीके से आप दे रहे हो, ठीक है। ऑफर कर क्या शो कर रहा है, कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वन कॉमोडिटी, एक जो वस्तु है उसकी अमाउंट, ठीक है, विच इज टू विलिंग टू ऑफर, यानी कि जो हम देने के लिए विलिंग है, इच्छुक है, एट वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस में, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ अनदर कॉमोडिटी, जो दूसरी कॉमोडिटी के जो की जो अमाउंट है उसके बदले, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब सिंपल अगर सरल शब्दों में कहना चाहे तो सामने वाले की जो कॉमोडिटी है उसके बदले में हम अपनी कॉमोडिटी कितना दे रहे हैं एट अ गिवन प्राइस, ठीक है, प्राइसेस के ऊपर कितना कितना अपना अमाउंट हम ऑफर कर रहे हैं, वो चीज होती है ऑफर कर। अब यहाँ पे हमने दो कंट्री ली है, हमने इंडिया और नेपाल। अब हम यहाँ पे एक एक करके पहले इंडिया का ऑफर कर निकालना देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपना की नेपाल का कर। अगर एक कंट्री का आपको आ जाता है ऑफर कर्व निकालना तो दूसरे का भी आपको इजीली आ जाएगा। अब ऑफर कर्व मैंने बोला कि एक कंट्री के की वस्तु के बदले में आप कितना दूसरा दे रहे हो, अपनी वस्तु कितना दे रहे हो, दैट मींस आप अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ही तो होंगे, मैं जो वस्तु दे रही हूँ वो मेरे एक्सपोर्ट हो जाएंगे और जो मैं सामने से ले रही हूँ वो इम्पोर्ट हो जाएंगे, है ना। यानी कि देखो ये टेबल देखो, ये टेबल में लिखा हुआ है राइस को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अभी, है ना, और यहाँ पे हमने वीट लिख लिया जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएंगी, देखो ये टेबल देखो, जिसमें 50, 10, 80, 20, 120, 40, 150, 75 और ये 200, 200 का लिखा हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में अगर जस्ट मान लो हम कोई भी हमारा इम्पोर्ट नहीं कर रहे, यानी कि वीट का हम कोई कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, आवाज सही प्रॉपर आ रही है ना सभी को, यस मैम, यस मैम। देखो स्टार्टिंग में क्या है, हम कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम वीट का कंजम्पशन नहीं कर रहे क्योंकि हम वीट अपने पास नहीं बना रहे हैं। फिर क्या हुआ, अब देखो स्टार्टिंग में हमारे जो अगर हम कह सकते हैं हमारी वीट के लिए जो यूटिलिटी है बहुत मैक्सिमम होगी, उपयोगिता सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई वीट नहीं है, वीट है ही नहीं हमारे पास, है ना। फिर क्या हुआ, जब आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आप 10 यूनिट वीट के लिए आप 50 यूनिट ऑफ राइस के देने के लिए तैयार थे, क्यों, क्योंकि वीट से अभी जो उपयोगिता मिल रही है
गेहूं से जो उपयोगिता मिल रही है अभी ज्यादा है, क्योंकि उससे पहले हमने कोई वीट के का कंजम्पशन नहीं किया। यानी कि हम एक तरीके से अगर हम इसका रेशो देखें तो 1 यूनिट ऑफ वीट के बदले में हम 5 यूनिट ऑफ राइस देने के लिए राजी हैं। ठीक है, आप लोगों ने याद करो वो पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी होगी, नाम सुना है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 50 यूनिट के बदले में हम क्या कर रहे थे, हम 10 यूनिट ऑफ वीट ले रहे थे। यानी कि हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो रेशियो चल रहा था वो क्या था, 5:1 का था। उसके बदले में फिर बाद में क्या हुआ, हमने दोबारा आप देखो तो आपका क्या हुआ कि जब 80 यूनिट आप राइस के एक्सपोर्ट कर रहे हो और 20 यूनिट वीट के एक्सपोर्ट कर रहे हो, रेशो है आपका 4:1। आपका एक लॉ होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन इन यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का ज्यादा उपभोग करते हो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, आपकी घटती जाती है। तो उसके कारण ही, ठीक है, उसके कारण ही क्या हुआ यहाँ पे कि आपकी जो अब आप देखोगे कि राइस के बदले में जो हम वीट के बदले में जो हम राइस दे रहे थे उसका रेशो कम होता जा रहा है और एक पॉइंट पे आके ये रेशो बराबर भी हो गया, 5:1 हुआ, फिर 4:1 हो गया, फिर 3:1 हुआ, फिर 2:1 एंड फिर 1:1 हो गया। क्योंकि उससे वीट से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो रही है आपकी, घटती जा रही है। इतनी बात आई समझ में, ये 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1 कैसे हुआ ये? मैम ये इसलिए हुआ ना क्योंकि गेहूं का ज्यादा उपयोग करते रहे तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो गई। हाँ बिल्कुल, कितनी आई बात समझ में? यस यस मैम। ठीक है, अब इसको अगर हम डायग्राम, ये पूरा पैराग्राफ की तरह से आप पढ़ लेना है, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू शो करेंगे हम, यानी कि अपना ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ना इससे हम बनाएंगे अब ऊपर पर। डायग्राम में देखो एक्स एक्सिस पे बीट शो कर रखा है, वाई एक्सिस पे राइस शो कर रखा है, ठीक है, गेहूं और चावल शो कर रखा है, क्वांटिटीज इन्होंने लगा दी है, क्वांटिटी की आप अपना 50 स्टार्टिंग में आपके राइस और वीट की जो क्वांटिटीज हैं उनके उसके बिहाफ पे हमने ये ऑफर कर बना दिया। ये ए बी सी डी ई एफ ये अलग अलग पॉइंट्स है जो आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका O1 आ गया आपका ऑफर कर, ठीक है, समझ में आ रहा है ऑफर कर कैसे बनाया ये, और ये ऑफर कर इंडिया का है इतना ध्यान रखना, ठीक है, जिसपे हमने ओ एक्स पे लिया वीट और ओ वाई पे लिया राइस। यानी कि ओ वाई एक्सिस पे हमने वो वस्तु ली है जिसका आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और ओ एक्सिस पे ओ एक्स पे लिया जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हो। कितनी आई बात समझ में? यस मैम। इस कर्व को देख लो प्रॉपर, ए पॉइंट पे आपके जो पहला पॉइंट था ना, जो पहला आपका कॉम्बिनेशन शो कर रहा था 50 और 10 वाला, वो शो कर रखा है, अगले पे 80-20, उसके बाद 120 और 40, फिर 150 और 75 वाला, और फिर 200-200 वाला, ठीक है, यानी कि इस ई पॉइंट तक आपका ये कॉम्बिनेशन शो हो रहा है, ठीक है, और इसको जब आपने मिलाया तो जो कर्व निकल के आया वो होगा आपका इंडिया का ऊपर कर्व, यानी कि ये O1 है ये आपका ऊपर कर्व। अब इस ई पॉइंट तक तो सारे पॉइंट्स हैं, ये जो आपका जो स्लोप है ना वो है पॉजिटिव, इस ई के बाद आपका जो ऊपर कर्व है वो घटना शुरू हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका नेगेटिव स्लोप हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हो ना, यानी कि अब इस ई पॉइंट के बाद आप विलिंग नहीं हो कि इससे ज्यादा हम अपने एक्सपोर्ट के बदले में इंपोर्ट को लें। यानी कि आपका जब 1:1 का रेशो आ गया, दैट मीन्स आपका आपका ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद जो आपकी उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता वो कैसी है, वो बिल्कुल नेगेटिव होनी शुरू हो गई है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि अब आप इससे कम ही चाहोगे, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि आप 200 यूनिट आप अपने राइस के प्रोड्यूस करो और 200 मतलब कि अब 200 यूनिट से ज्यादा, यानी कि इस राइस की 200 यूनिट से ज्यादा आप अपना देने का, यानी कि राइस को एक्सपोर्ट करने की विलिंग में नहीं हो, यानी कि इच्छा नहीं है,
ठीक है, हमें जित उससे हो सकता है हमें वो क्या नाम है वीट ज्यादा मिलता हो, अगर 200 यूनिट के बदले में वीट ज्यादा मिलता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि हम अपने राइस के 200 यूनिट से ज्यादा हम नहीं देने वाले। इतनी बात आई समझ में? यानी कि जो ई पॉइंट है ना, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया ऑफर करके। ऐसे ही सेम आपके इसी तरीके से आप अपना नेपाल का ऑफर कर बनाओगे, ठीक है, नेपाल का ऑफर कर बनाओगे। अब जब नेपाल का ऑफर कर बनाओगे ना, तो उस टाइम पे ध्यान रखना कि जो वस्तु, अब देखो राइस हमारे लिए क्या है, हमारे एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो नेपाल के लिए क्या हो जाएगी वो चीज इम्पोर्ट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे लिए जो हमारे इम्पोर्ट थे वो हो जाएंगी नेपाल के लिए एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान, इसीलिए इसका जो कर्व है ना, अगर हमारे इंडिया का ऑफर कर्व ऐसे इस शेप का था, ओवन वाला था, तो नेपाल का किस साइड हो जाएगा, राइस की तरफ झुका हुआ, क्योंकि हमारा ऑफर कर्व देखो अपने एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, तो नेपाल वाला भी कौन सा हो जाएगा, जो उनके लिए जिस एक्सिस के ऊपर उनका एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट नहीं सॉरी उनके इम्पोर्ट है, और उनका इम्पोर्ट राइस है, तो इसीलिए नेपाल का ऑफर कर हो गया ये ओ एन वाला। इतनी आई बात समझ में? ठीक है, ये ओ एन हो गया। फिर मैंने बात की थी कि जहां पे दो कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड, सॉरी जो दो कंट्री के आपके ऑफर कर इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, यानी कि जहां पे इंडिया का ऑफर कर नेपाल के ऑफर कर के साथ इंटरसेक्ट हुआ, यानी कि इस ई पॉइंट पे ई पॉइंट हो जाएंगे आपके पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इतनी बात आई समझ में? यस मैम। अभी इसको इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम करेंगे कल इसको।